नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दालचीनी और कलौंजी खाने के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हर भारतीय रसोई में कुछ ऐसे मसाले मौजूद होते हैं जिनका इस्तेमाल शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। दालचीनी और कलौंजी का इस्तेमाल भी लगभग हर घर में किया जाता है। ये दोनों मसाले शक्तिशाली गुणों की खान माने जाते हैं। दालचीनी और कलौंजी में मौजूद गुण शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और कई बीमारियों के जोखिम को कम करने का काम करते हैं। दालचीनी और कलौंजी का मिश्रण कई गंभीर समस्याओं और बीमारियों में औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद के मुताबिक इन दोनों मसालों में मौजूद गुण कई गंभीर बीमारियों को दूर करने का काम करते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में कलौंजी और दालचीनी का इस्तेमाल पुराने समय से ही किया जा रहा है। कई शोध और अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि दालचीनी और कलौंजी दोनों ही डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और इन्फेक्शन की समस्या में बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों दालचीनी दरअसल तेज पत्ते के पेड़ की छाल होती है। इसे गरम मसाले के रूप में जाना जाता है और तमाम तरह की डिशेज को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। दालचीनी में मौजूद गुण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करते हैं और कई गंभीर बीमारियों में फ़ायदेमंद माने जाते हैं। वहीं कलौंजी, जिसे ब्लैक सीड्स, एनियन सीड्स और निगेला सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, कई गुणों से भरपूर होती हैं। कलौंजी में प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स और विटामिन आदि पाए जाते हैं। इसका सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने से लेकर वजन कम करने तक में बहुत फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी और कलौंजी का एक साथ सेवन करने से आपको बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं कलौंजी और दालचीनी को खाने के फ़ायदों के बारे में। नंबर एक, वजन कम करने के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों दालचीनी और कलौंजी वज़न कम करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद माने जाते हैं। इसके लिए आप दालचीनी और कलौंजी के पानी का नियमित सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी और कलौंजी का पाउडर समान मात्रा में लेकर एक गिलास हल्के गुनगुने पानी में डालकर पीने से आपको वज़न कम करने में फ़ायदा मिलता है। नंबर दो, डायबिटीज के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों डायबिटीज के मरीजों के लिए दालचीनी और कलौंजी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। डायबिटीज की समस्या में शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इस स्थिति में रोजाना दालचीनी और कलौंजी का एक साथ सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन दोनों मसाले में मौजूद गुण ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नंबर तीन, महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद। दोस्तों ऐसी महिलाएं जिन्हें कंसीव करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है, उनके लिए दालचीनी और कलौंजी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। कलौंजी और दालचीनी का मिश्रण महिलाओं को कंसीव करने में मदद करता है और शरीर के ब्लड शुगर और चयापचय को भी ठीक रखता है। नंबर चार, सर्दी, जुखाम और इन्फेक्शन में फ़ायदेमंद। दोस्तों सर्दी, जुखाम और इन्फेक्शन की समस्या में दालचीनी और कलौंजी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। दालचीनी और कलौंजी में मौजूद गुण शरीर को सर्दी, जुखाम और वायरल इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। मौसम में होने वाले बदलाव के कारण इन्फेक्शन होने पर भी इसका सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। नंबर पाँच, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए। दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए दालचीनी और कलौंजी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका सेवन करने से शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। नियमित रूप से कलौंजी और दालचीनी के पानी का सेवन बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। दोस्तों आइए जानते हैं कैसे करें दालचीनी और कलौंजी का सेवन। दोस्तों दालचीनी और कलौंजी का एक साथ सेवन कई तरीकों से किया जा सकता है। आप खाना बनाते समय इन दोनों का पाउडर मिक्स करके डाल सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दालचीनी और कलौंजी का पाउडर समान मात्रा में लेकर इसे एक गिलास गुनगुने पानी में मिलाएं और रोजाना सुबह के समय इसका सेवन करें। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं।
किसी भी बीमारी या समस्या में दालचीनी और कलौंजी का औषधीय इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।